मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को अब बढ़ावा देने की कोशिश हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टूरिज्म बोर्ड ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन शुरू कर दिया है। उज्जैन से 9 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन में 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। ये बात संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राजस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कही है। जो स्काई डाइविंग है पूरी तरह सुरक्षित है और जो मानक हैं पूरी तरह मानकों पर ये खरी उतरती है, तो कहीं किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जो ये पहल की है एडवेंचर टूरिज्म के लिए, मध्य प्रदेश एक पर्यटन का हब बने इसके लिए एडवेंचर टूरिज्म बहुत आवश्यक है, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारत, मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। अब उज्जैन में 9 नवंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण महाकाल के नजदीक उज्जैन के लिए, और खास तौर पर अगर बात किया एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म बोर्ड ने डाइविंग फैकल्टी के चौथे संस्करण का आयोजन उज्जैन में करने जा रही है। 9 नवंबर से इसका आयोजन होगा। 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 की ऊंचाई से छलांग लगाने का मौका मिलेगा महाकाल की नगरी में, और इसको देखने का रोमांचक जो अनुभव मिलेगा वो मिल सकता है। तो संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्याय धर्म सभा राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी जो के केंद्र बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ धर्मेंद्र लोधी ने इस पूरे बात को जनता बीच में रखा है, मीडिया से चर्चा में कहा। तो एक महत्वपूर्ण टूरिज्म को लेकर के ये चौथा, अगर हम बात करें तो चौथा संस्करण योजना के तहत 9 नवंबर से आप स्काई डाइविंग को लेकर के तैयार रहे, और उज्जैन नगरी में ये 9 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। 3 माह के लिए पर्यटकों को ये एक बेहतरीन सौगात मिलने वाली है। अगर बात की जाए तो टूरिज्म विभाग की ओर से, और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने का मौका मिले, और वाकई स्काई डाइविंग के लिए लोग बाहर जाते हैं, लोग अलग अलग इलाकों में जाते हैं, प्रदेश से अलग अलग। बिल्कुल भारत, तो खुले आसमान से अब महाकाल की नगरी को आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। 9 नवंबर से स्काई डाइविंग की शुरुआत होने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।